अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। मैं देवबंदियों के एक कराची के मुफ्ती ऐसी मंजी, मैंने तीन बॉलें कराई है झेलम में, तीन गेंदे। अच्छा, तीन गेंदे मैंने कराई है झेलम वाली सरकार के खिलाफ, वो बैटिंग पे थे, मैं किस पे था, बॉलिंग पे। मुफ्ती साहब की बात निकल गई। पहली गेंद जब मैं झेलम गया 48 घंटे का टाइम दिया, उसमें भी झेलम वाली सरकार क्लीन बोल्ड हुई है। उसके बाद ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज मैंने कबूल किया, वहां भी झेलम वाली सरकार क्लीन बोर्ड हुई। अच्छा। अब मैंने खुला वाले क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, उसमें भी झेलम वाली सरकार क्लीन बोर्ड हुई है। यार तो गेम बजाना पड़ेगा। और आपको पता है हमें फुल टास्क मिले तो हम बाउंड्री से बाहर फेंकते हैं। आप बाउंड्री से नहीं, आप तो प्लैनेट अर्थ से बाहर जाती है। लब्दे रहो तुसी। किसी ने मसला पूछा है इंजीनियर साहब से, उन्होंने जवाब दिया कि अपनी बीवी को छोड़ने के लिए भी आप घर जा सकते हो, आपकी वाईफाई भी है ना मिलने के लिए, तो आप उनको छोड़ने के लिए तक आपसे बाहर घर जा, मस्जिद से बाहर आप जा सकते हैं, घर में बेगम को अकेली हो, कोई रास्ते में डाकू वाकू ना लूटने पहुंचा के आ जाए। और पता नहीं हवाला दिया बुखारी का या मुस्लिम का, ऐसी कोई हदीस नहीं है उसमें, यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया को मस्जिद से बाहर घर छोड़ने गए थे। पढ़ तो सही गधे। हदीस के अरबी अल्फाज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मस्जिद से बाहर निकल के घर छोड़ने गए थे। उर्दू तर्जमा मैंने नहीं देखा, वो तर्जमा मोहतरम गलत करते रहते, तो यहाँ भी अगर तर्जमा देख के वो इंजीनियर साहब ने मसला बताया तो गलत तर्जमा किया है। अरबी तो आती नहीं है तो जाहिर है तर्जमा फिर गलती होंगे। इंजीनियर साहब को चाहिए कि अपना रुजू का ऐलान करें, क्योंकि बहुत से लोग आपको सुनते हैं। वो जो हदीस है हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़ने गए, उसमें ये कहीं नहीं है कि मस्जिद से बाहर निकल के गए थे। हजरत सफिया का हुजरा तो मस्जिद नबी के बिल्कुल मुत्तसिल था, उम्महात के। तो अगर किसी के जौजा जो है उसका कमरा मस्जिद के दीवार के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है और वो मस्जिद के किनारे तक चला जाता है, तो इसको मस्जिद से बाहर निकलना थोड़ी कहेंगे। रुको जरा, सबर करो। आजा आजा, समझाते हैं तुझे। तो उसी वीडियो के नीचे इंजीनियर मोहम्मद रमजान साहब ने कमेंट किया, सही बुखारी हदीस नंबर 2038 यानी कि 2038 में वाज़ह मौजूद है कि जब बाकी अजवाज रजी अल्लाह तआला वापस जाने लगी तो उनमें से सिर्फ सईदा सफिया रजी अल्लाह तआला को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें छोड़ने खुद साथ जाऊंगा, क्योंकि उनका घर बाकी अजवाज रजी अल्लाह तआला से थोड़ा दूर हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हवेली में था। हदीस नंबर 2038 में वाज़ह लिखा है फखाराजा यानी नबी अलैहिस्सलाम निकले। काश देवबंदी हनफी मुफ्ती तारिक मसूद साहब अरबिक गौर से पढ़ लेते तो वो ये क्लिप ना बनाते। वासलाम। अब यहाँ पर मेरे भाई बहनों वो हदीस में आपको दिखा देता हूँ जिसमें फखारा जा के अल्फाज मौजूद हैं, और फखारा जा का मानी आप कहीं पर भी जाओ लिखेंगे ना, आपको वहां पर पता चल जाएगा कि बाहर निकले, बाहर निकल गए, इस तरह के जाओ इसके मानी आते हैं। अब यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद रमजा साहब का मौकफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हदीस में वाज़ह तौर पर अल्फाज मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया के साथ निकले। तो निकलना जाओ कहाँ पर होता है, जाहिर सी बात है मन से निकले, तो उनको जाओ उनके घर तक छोड़ के आए, और हजरत सफिया का घर दूर था यानी कि हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला की हवेली में, वहां तक जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद से निकलकर वहां तक छोड़ दूसरे कामों में लगाऊ। अगर मैं इसी काम में लग जाऊँ ना तो डेली बेसिस पे 10-10 क्लिप में बना सकता हूँ, ये गलती ये गलती, ये मसला गलत, ये मसला गलत, ये तर्जमा गलत, यहाँ डंडी मारी, यहाँ डंडी मारी, तो इतने हैं, ये तो हमने माफ किया हुआ है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। तुम लोगों की क्या औकात है यार, हम तो तुम्हारे बड़ों को कुछ नहीं समझते। मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चाहिए कि वो भी इसके ऊपर जरूर रिकॉर्ड करवाएं और कहें कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी थी, यानी कि अरबी में जाओ मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी थी, मुझे अरबी में जाओ इस वजह से गलती लग गई है। ठीक, बड़ा ही औखा काम है। ओके।